350 की है भैया। अस्तर लगा है इसमें, हमें लगता है यही। हेलो, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, कहते हैं ना कि शादी वाले घर में पता क्या होता है कि लास्ट डे तक मतलब शॉपिंग होती ही रहती है। तो वही हाल मेरे घर का है कि जिस घर में जाओ, क्योंकि हम सारी बहनें, भाई, कजिन्स और डेली मार्केट जाने लगे कि डेली मार्केट जाते हैं, कुछ ना कुछ हम भूल आते हैं, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और कई बार हम अननेसेसरी चीज़ भी खरीद लेते हैं कि अरे ले लेते हैं, काम आ जाएगा, पर वो एक्चुअली काम आते नहीं है। फिर बाद में अफसोस भी होता है कुछ ऐसी शॉपिंग भी। मैं तो अक्सर करती हूँ ऐसी शॉपिंग। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। एक्चुअली मेरा जो मन है एक ब्लू कलर का सूट पहनने का, या तो रॉयल ब्लू हो या नेवी ब्लू हो, स्क्रैच बोलते हैं ना, स्क्रैच आउटफिट, मतलब आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाने का मन था बहुत टाइम से, मैं बना नहीं पा रही थी। तो फिलहाल मैंने सोचा क्यों ना मैं उसको कंप्लीट कर दूँ। अगर मुझे अच्छा फैब्रिक एक डील अच्छी मिल गई, मतलब कहने का मतलब सस्ता मिल गया जिस मेरे बजट में रहा, तो मैं उसको बनाऊंगी, नहीं फिर मैं उसको 2 or 3 months बाद बनाऊंगी, क्योंकि फिर थोड़ा सा मुझे टाइम मिलेगा, दिन बड़ा होने लगेगा। दिन बड़ा तो अभी भी होता है, लेकिन मतलब थोड़ा सा जो काम मेरे हैं वो हो जाएंगे कम। तो बस चलो फिलहाल मैं जा रही हूँ, अगर मुझे अच्छा लगेगा कुछ तो मैं ले लूँगी। और ये जो फैब्रिक मैंने लिया था जरी वाला, आपको मैं दिखाती हूँ, सूट ब्लाउज़ के लिए, उसकी मुझे बैंगल्स लेनी है। तो मैं गई थी शॉप पे, पर भैया ने बोला था कहीं आप ब्लाउज़ का फैब्रिक लेकर आए, तभी मैं आपको टोन टू टोन दे पाऊँगा। तो बस भैया ब्लू कलर में, नेवी ब्लू या रॉयल ब्लू कलर में कोई फैब्रिक जो गाँव मतलब फ्रॉक सूट के लिए? हाँ नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू दोनों में चला। रेड मतलब रेड दुपट्टा के साथ नेवी ब्लू है सिंपल में, सिंपल में आजकल पेट्रोल चल रहा है, ये वाला नेवी भी मिल जाएगा। ये जीनी छू 250 का मीटर प्लेन में बहुत अच्छा बनता है। कुछ ऐसा हो तो सिंपल सोबर टाइप का हो, थोड़ा सा ये निकाल कॉटन है, शादी के लिए अच्छा नहीं है। तो वेलवेट ले लो फिर, प्लेन प्लेन वेलवेट ले लो। प्लेन पेट्रोल जरा दिखा, वेलवेट दिखा तो जरा। पेन कलर अभी आया है ना शादी के, कलर निकाले ये नहीं अच्छा लग रहा, ये रेड पे अच्छा भी नहीं लग रहा, यही रेड कलर है मेरा सेम। रेड के साथ देखो कौन सा अच्छा लग रहा है। रेड पे तो ब्लैक पहनेंगे नहीं, क्योंकि ब्लैक मैंने ऑल वाइन भी नहीं अच्छा लगेगा दोनों। तो फैब्रिक तो मैं तो कब से ढूंढ रही, बट मुझे मेरी मतलब का फैब्रिक मिल नहीं रहा है एक्चुअली। तो मैं भी सोच रही हूँ मैं सैटन फैब्रिक से ही बना लूँ। फिलहाल मैं दीदी से डिस्कस करूँगी मुझे क्या करना चाहिए, अगर पॉसिबल होगा तो मैं सैटन फैब्रिक से बनाती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है सैटन फैब्रिक का। तो डिपेंड करता है, फिलहाल मैं जा रही हूँ ज्वेलरी शॉप पे और चूड़ियाँ लेने, वो काम कर लेती हूँ। और यार भागम भाग हो जाती है, 3:30 में फ्री होती, फिर इसके बाद मैं लगातार ऐसी भागती रहती हूँ, और दिन भर छोड़ के आई हूँ। तो चलो अभी आगे काम करते हैं। बहुत टाइटनेस हो गई है मुझे, थोड़ा सा स्किन केयर भी करना, देख रहे डर लग रहा है। और इसका ये 400 की, ये 350 की है भैया। अस्तर लगा है इसमें, महंगी इनर भी नहीं निकलेगी। हाँ ये 400 का है भैया, ये महंगा, ये कलर अच्छा लग रहा है, ये ब्लैक, ये कलर अच्छा लग रहा है ना। बट ये कुर्ती जीन्स जींस वाली है, हम लोगों के हिसाब से नहीं है ना, हम लोगों के हिसाब से आपको चाहिए थी जीन्स। भैया फिक्स रेट रहता है आपके यहाँ? फिक्स रेट है, कम नहीं करोगे? और ये वाली भैया ये 300 की, यही इसमें से एक दो ले जाएंगे। 300 वाली में से लेंगे आके हम, ये वाली है क्या? यही है बस, और नहीं है
अबे कितना ले रहे बाबू को? और कुछ नहीं है मैं डिजाइन नहीं है बहुत हैवी नहीं बनाना सिंपल सिंपल अच्छा पता नहीं लोग कैसे पहन लेते हमें तो समझ में नहीं आता हमें समझ में नहीं आता लोग कैसे पहन लेते हैं इनको हमें तो अच्छे नहीं लगते अपने ऊपर हम हमें लगता है ये इतने ही पहन लो भैया तो भी अच्छा लगेगा नहीं ये ऐसे अलग अलग से लगा दीजिए जैसे आजकल चल रहा है ना बीच में तीन ये है एक डार्क भी है इसका देखो भैया वो डार्क वाला दिखाना जरा एक वो ले लें दोनों में से कौन सा ले लें डार्क एक ही अब कपड़े के साथ तो यही जाएगा कपड़े के साथ से वो लाइट वाला चलेगा तुम्हारा हमें लग रहा डार्क ले लो कपड़ा इतना कम है हाँ वो ज़्यादा डार्क वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है यही लो लेकिन यही ज़्यादा जाएगा लाइट यही ज़्यादा जाएगा ना कलर अकॉर्डिंग चाहिए रात हो गई है शाम के बस क्या है 2 घंटे हो गए थे मार्केटिंग दो नहीं मतलब 1.5 घंटा हो गया है मेरी शॉपिंग डन हो गई है और हाँ फाइनली मतलब क्या यार भागते भागते थक जाती हूँ मैं पूरे दिन में अब मैं घर जा रही हूँ घर जाके भी बहुत सारे काम होंगे तो अभी तो खाना खिला के सुला दूँगी पहले फिर मैं सारे काम निपटाऊँ तो मुझे पैकिंग भी कर देना आ गई और आते आते मैंने बनाई है ब्लैक कॉफ़ी नीरज के लिए क्योंकि नीरज आ रहे हैं जिम और साथ में डिनर की कर दी है तैयारी साथ में अपने लिए बना रही हूँ ग्रीन टी इतने सारे काम आते आते मतलब भागते भागते निकल जाता है ये मेरे कुछ चूड़ियाँ कंगन है जो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी और ये मेरी ग्रीन टी बननी है तो अपनी ग्रीन टी ले ली और नीचे रख के वो कॉफ़ी बाहर रख दी और मल्टीग्रेन दाल बनने के लिए रख दी जैसे कि साबुत सारी दाल वगैरह जैसे उनको मिक्स करके मैंने बनने के लिए रख दी है विद ग्रेवी और चावल बनाऊंगी रोटी बनाऊंगी बस इतना ही रहेगा हमारा डिनर अब जा रही हूँ मैं अर्जुन को पढ़ाने के लिए तो अर्जुन अपने आप ही पढ़ रहा है अरे वाह वेरी गुड पढ़ाई कर लो तो मम्मा अपनी ग्रीन टी पीती है तुम तो पढ़ाई करो गुड बाय आ गई हूँ नीचे और मैं अपने ब्लाउज़ को डिज़ाइन करने वाली हूँ नया रूप देने वाली हूँ अब इसको करती हूँ मतलब बनाऊंगी और इसके बाद हम और अर्जुन साथ में डिनर करेंगे थोड़ी देर मैं टीवी देखूंगी अर्जुन गेम खेलेगा और मैं एक ही पूरे दिन में एक ही टाइम होता है जब मैं अर्जुन को मोबाइल देती हूँ वो भी शाम और मैं साथ में देखती हूँ वो क्या देख रहा है क्या खेल रहा तो अभी मैं अपना ये काम ख़त्म करती हूँ फिर मिलती हूँ होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा बाय बाय